क्लास सिक्स साइंस। आई एम आर एस प्रसाद सर। टुडे योर चैप्टर एट दैट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेकंड क्वेश्चन आंसर लेट अस स्टार्ट व्हाट विल बी योर एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज द ऑर्गेन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द डाइजेस्टिव ग्लांड्स। तो वी कैन वॉच विद द ऑर्गेन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट आता है माउथ, दूसरा फेरिक्स एंड थर्ड है ओफेक्स एंड स्टोमक एंड थर्ड नेक्स्ट है इंटेस्टाइन एंड एनल ओपनिंग। नाउ हियर डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लीवर एंड पैनक्रियास। तो यू कैन सी द नेक्स्ट वन। नाउ कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यू कैन सी हियर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। इसमें सबसे पहले माउथ आता है, फिर आपका पेरिक्स आता है, फिर इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। इसके बाद आता है ओसोफेगस, इसके बाद फिर लीवर आता है यहाँ पे, ये लीवर है, फिर स्टोमक, फिर इसके बाद गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल ओपनिंग। इट इज योर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। यू कैन सी हियर फर्स्ट वन इज द इंसिसर एंड द कैनिन एंड द प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स। नाउ इट इज द टंग एंड द टेस्ट वर्ड्स एरिया ऑफ द टंग। सो यू कैन से फर्स्ट वन द टेस्ट एरिया दैट इज द बीटर एंड इट इज द सोर एरिया एंड इट इज द साल्टी एरिया एंड इन फ्रंट ऑफ द टंग दैट इज द स्वीट एरिया। Now it is a circular system, circulatory system and the double circulatory system. So first is the vein, it is the impure blood tube. Yahan par impure blood tube. Impure blood veins mein baithta hai aur ye artery, artery is the pure blood tube. आर्टरी में प्योर ब्लड जाता है तो यहाँ पर फीट में क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी लगी और यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिल्टर करके जो भी ब्लड इम्प्योर होता है इम्प्योर से प्योर की तरफ पहुंच जाता है और वो फिर हार्ट में पहुंचता है। इस तरह से करके जो बॉडी में पूरी होती है पूरी बॉडी में आर्टरी के थ्रू पहुंचता है और फिर यहाँ से फिल्टर होकर के फिर से हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट में फिर से ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इट इज द काउंटिंग ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट को काउंट करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज करते हैं या फिर हाथ से इसको नब्ज को नापने की कोशिश करते हैं। नाउ इट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ क्या है, नोस्ट्रिल है यहाँ पे, नोस्ट्रिल के बाद जो ये आता है ये दैट वन इज द विंड पाइप और इसके बाद आते हैं लंग्स। ये है लंग्स, लंग्स में जाकर के डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या करता है, ब्रीथिंग के समय ऊपर नीचे पंपिंग का काम करता है, मतलब खींचने हवा अंदर और बाहर जाने के लिए यूज करता है। एयर को कैसे यूज करता है ये यहाँ समझा रखा आप लोगों को। इट इज द रोल ऑफ द डायफ्राम इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कैसा होता है ये रिफिल आपको दिखाया हुआ है, ये कॉर्क है, बॉटल है और ये क्या है, बैलून है। जब ये सीट फ्रॉम द कट बैलून है, कलून बैलून का काटा का, इसको जब नीचे डाउनवर्स में खींचते हैं तो ये बैलून जो है ये फूल जाता है, एयर इसके अंदर भर जाती है और जैसे इसको अंदर की तरफ दबाते हैं तो बैलून जो है ये उड़ जाता है, यानी कि कंप्रेस हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ये बॉटल कॉर्क जो रिफिल बिल्कुल सेम है और इसमें केवल बैलून का फंक्शन ही शो करता है। इसी तरह हमारे पास में सांस आती है और सांस चली जाती है यानी ब्रीथिंग, हम इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इसी तरह से वर्क करता है। यहां पर क्या है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी लिखा है, इसमें एल्केलाइन फिनोफ्लिन डालते हैं। तो एल्केलाइन फिनोफ्लिन डालते हैं तो क्या होता है, ये एसडी कर बेसिक सल्फोन की आइडेंटिफिकेशन को प्रूव करता है। ये क्या है हमारे पास, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सबसे पहले यहाँ किडनी है जहां पर फिल्ट्रेशन होता है टॉक्सी सबस्टेंस का और यूरेट्रस जो होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में टॉक्सी सबस्टेंस चले जाते हैं और यूरिनरी ट्यूब में पहुंच जाते हैं और आउटसाइड में निकल जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये नर्वस सिस्टम में पूरा का पूरा दिखाया हुआ, यहाँ ब्रेन है, ये स्पाइन कॉर्ड है और ये नर्व सिस्टम है। यहाँ पे नर्व सिस्टम नीचे से लेके ऊपर तक पूरा जुड़ा होता है ब्रेन से और स्पाइन कॉर्ड से भी, कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी तुरंत मिल जाती है विदाउट लगिंग द टाइम। ये है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या है, ये जेंट्स में होता है दैट इज द टेस्टस एंड इट इज द ओवरीज जो फीमेल में होती है, यानी ये मैन और ये वुमेन में
इस तरह के रिस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। नाउ कम टू द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेन्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम। द मेन ऑफ ऑर्गेन सिस्टम फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ द फूड, इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ द सॉलिड वेस्ट। द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, ऑफ ब्रीथिंग एंड इट्स एक्सहेलिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द लंग्स एंड डायफ्राम। The function of the circulatory system is to carry useful substance through the blood to various parts of the body and carry waste substance to the excretory organs. The main organs of the circulatory system are heart, arteries and veins and the blood capillaries. The main organ of the excretory system, that is the kidney, uterus or urinary bladder and the urinary tube. The organ of the nervous system are brain, nerves, spinal cord and the sense organ. Now, involuntary action are carried out by the spinal cord. All living organisms produce offspring like themselves through reproduction. The main organs of reproduction are testes and the ovaries. Now fill in the blanks. You fill in the blanks and we have types of teeth. कितने types के हैं? 4 types. So you have to write here 4. Now second one is the liquid waste that is excreted out is called. It is the feces. You can see here it is feces. Third one, the eyes are a type of organ. It is sense type. Now fourth, the is a main organ of the circulatory system. So heart hota hai main. Now fifth is an example of animal that gives birth to young one. That is a dog. So it is, you can write dog. Now here match the following. First one has saliva. Saliva ke liye which one is the, you can write here A, B, C, D, E, F and G. So first one, saliva kis mein aayega? That is the digestion mein aayega. So you can write here 1. So second one is the lung. Lung is the breathing mein kaam aata hai. So you can write here 2. Now blood kahan kaam aata hai? It is सर्कुलेशन में आता है काम, तो यू कैन राइट हियर 3. नाउ किडनी कहां काम आती है? किडनी इट इज एक्सक्रीशन में काम आती है, सो यू कैन राइट हियर 4. नाउ टेस्टस कहां आता है? टेस्टस इज द रिप्रोडक्शन, सो यू कैन से हियर इट इज द 5. नाउ ब्रेन कहां काम आता है? ब्रेन इज द 5th पार्ट. ब्रेन जो है वॉलेंट्री एक्शन में आता है. यहां पर आप लोग इसको कितने लिखेंगे? 6 लिख देंगे. और 7th में आता है स्किन. स्किन जो है सेंस ऑर्गन है, तो यू कैन राइट हियर 7. चूज द राइट आंसर एंड राइट. नाउ फर्स्ट द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमन बींग्स इज, इट इज 32. Second, the vessels that take blood from various organs to the heart are, which one is the, that is the veins lekar ke aati hai wahan tak, heart tak. Now third, the main organ of the nervous system, main organ kaun hai nervous system ka, that is the brain hai main system.
नाउ कम टू योर फूड, विच ऑर्गेन सेपरेटेड द वेस्ट प्रोडक्ट बाय फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ब्लड एंड फ्रॉम यूरिन, कौन है ऐसा जो ऐसा करता है, सो दैट इज द किडनी, किडनी फिल्ट्रेशन करती है। नाउ फिफ्थ है द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है, आई नहीं है, टीथ नहीं है, और टंग नहीं है या ईयर नहीं है, तो यू कैन से विच वन इज, सो टीथ नहीं है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ, क्या होता है स्लाइवरी ग्लैंड का, सो द स्लाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट स्लाइवर इन द माउथ एज फूड इज स्टर्ड बिटवीन द टीथ, इट मिक्स विद द स्लाइवा एंड बिकम्स स्लिम, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द टीथ फाउंड इन ह्यूमन माउथ राइट देयर फंक्शंस, तो बेस्ड ऑन द शेप टीथ आर ऑफ द फॉलोइंग फोर टाइप्स, कैसे कैसे हम देख लेते हैं जरा, तो फर्स्ट हमारे पास इंसिजर लाइक चीजल एंड कटिंग के काम आते हैं, सेकेंड क्या है ये कैनिस, कैनिस क्या होता है पॉइंटेड होते हैं ये, टीयरिंग एंड सियरिंग के लिए काम आते हैं, थर्ड वन इज द प्रेमोलर, प्रेमोलर मीन्स ग्राइंडर होता है, ये ग्राइंडिंग के काम आता है, सो फोर्थ वन इज द मोलर, मोलर इज द ग्राइंडर एंड द ग्राइंडिंग के ये भी काम आते हैं। नाउ दिस इज द फंक्शंस, नाउ कम टू द ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द टेस्ट एरिया ऑफ द टंग, टंग का मैंने टेस्ट एरिया बताया था, सबसे लास्ट में जो होता है बीटर का होता है टेस्ट, साइड में जो होते हैं ये सोर का होता है एरिया, और उसके बाद जो है साल्टी का जो सिट्रस ऊपर होता है, और सबसे ऊपर यानी कि फ्रंट वाला जो होता है वो स्वीट एरिया होता है, सो इज द टेस्ट एरिया ऑफ द टंग, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम इन योर कॉपी। नाउ नेम द ऑर्गेन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सो आंसर द ऑर्गेन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, पैरेक्स, ओल्फैक्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड द एनल ओपनिंग। नाउ ऑन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट बीट इन एनी पर्सन, सो ऑन एवरेज अ पर्सन हार्ट बीट अराउंड 70 to 72 times. Now, is the heart beat the same before and after running? No. The heart beat is not the same as before because it increases gradually after running. We should not breathe through our mouth. Why? When we breathe the hair and the sticky fibular inside our nostril prevents dust and the germs are entering the body and warm the air while passing through, which is beneficial for us. But when we breathing through mouth, the air entering our lungs in not warm and dirty, hence we should not breathe through the mouth. How the oxygen reaches all parts of the body? So oxygen reaches all parts of the body through the blood. So write the name of the main organ of the respiratory organ. So you can write the main organ of the respiratory system as nostril, windpipe, trachea, lung and diaphragm. You can see in this diagram. Draw a well-labeled diagram of human respiratory system. It is a human respiratory system. You can see here. You can draw in your copy. It is the nose. So it is the trachea, lung and the bronchioles. What will be happen if the waste products are not removed from the body? So due to many reactions in our body, several poisonous substances on waste products are synthesized. The accumulation of these products can be dangerous for the body, so waste products should be removed. Which are the waste products that are removed from the body? So the various waste products are feces, carbon dioxide, oxygen, sweat, urine, etc. Name the various organs of respiratory system. The various excretory organs are like first kidney, second uterus, uterus and third one is the urinary bladder and fourth one is the urinary tube. So draw a well-labeled diagram of human excretory system. So you can draw with the help of this one. So first one, as you have to see, this one is the kidney and this one is the uterus, this is uterus
एंड दिस वन इज द ब्लडर वेयर ऑल द टॉक्सिक सब्सटेंस आर कलेक्टेड हियर एंड दिस वन इज द यूरेट्रा एंड इट विल बी ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम. यू कैन ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम. Now come to the questions. What are the thread-like structures that send information to and to called? The thread-like structures that send information to and fro are called nerves. Name the main parts of the nervous system and the sensor organs. So the main part of the nervous system are first one is the brain, second one the spinal cord, and third one the sensory organ, and the fourth one is the nerval sensory organs are first the eyes, nose, ears, and tongue and skin. Draw a well-level diagram of human nervous system. So you nervous system ka pura diagram show kar rakha. First kya hai? Brain hai, fir iske baad spinal cord hai, fir nervous system pura kaam kar raha hai iske andar. तो इट इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ये नर्व सेल्स है जो पूरी जुड़ी हुई है लिंक में पूरी बॉडी में. राइट द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी इन रेस्पिरेशन इन मैन. सो द मेन रेस्पिरेशन ऑर्गन इन मैन आर फर्स्ट इज नॉस्ट्रिल है, विंड पाइप है, लंग है, डायफ्राम है. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग द ब्रीथिंग. सो डायफ्राम हेल्प इन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस. Draw a well-level diagram of the digestive system, alimentary canal of human. So you can see here it is the mouth. Mouth के बाद क्या आता है? Pharynx आता है. फिर के बाद salivary gland आता है. फिर के बाद oesophagus आता है. फिर liver आता है. Stomach आता है. Gall bladder आता है. Pancreas, small intestine, rectum and anal opening. Why is it necessary to have excretion process? So answer is to remove the waste product from our body is necessary. Otherwise it may affect our health adversely. So excretion is necessary. Through which system do blood move around in body? So blood circulated in the body through circulatory system. What is the reproduction? So the capacity to produce the young ones which look like them is reproduction. Write the function of artery and veins. So arteries, you can write here, it carries the blood from the heart to the different organ of the body. In this pure blood are flowing. So these are the veins mein kya hai? These are the vessels which collect the blood from different organs of the body and pour it into heart. Heart mein dalta hai wahan pe pure karne ke liye. Ye sari kya hoti hai? Isme impure blood jata hai vein. What joins the arteries and veins? So the network of capillaries joins the arteries and veins which is filter. Now how does breathing take place? Kaise hoti breathing? When we breathe in oxygen also enter the lungs with air through the wind pipe. When we exhale carbon dioxide comes out in the air breathing process. Fourth, explain the process of digestion. So the main organs of digestive system are mouth hai, pharynx hai, oesophagus hai, stomach hai, small intestine hai aur large intestine and the anus. माउथ क्या है? द salivary glands इन द माउथ secrete saliva. As food is stored between teeth, it mixed with saliva and become saliva. Oesophagus, this acts as the passage of tube which takes the food from mouth to stomach. The stomach is like a bag. The food is chewed in the stomach and turned into a semi-solid paste. The stomach helps in digesting some kind of food. This food goes to small intestine from here. So the small intestine is arranged in the form of a coil in our belly. So digestion of food also takes place here. The intestine also absorb the digested food. Large intestine, it performs the function of absorbing water and helps in removing the undigested solid waste from the body.
What are the main organs of circulatory system? So the main organ of circulatory systems are heart, the arteries and veins and blood capillaries. So what is circulatory system? Circulatory system carries useful substance through the blood to various parts of the body. Compare the table on the basis of observation. So first ये shape दिया हुआ है, work दिया हुआ है, position है और total number यहाँ पे दे रखे हैं. तो पहले लेते हैं T cells में cutting होता है, front होता है, pore हैं ये, pore होते हैं. चलिए देखिए pointed में क्या है, discrete है, defect है, ripping है और side में रहते हैं, two और two होते हैं ये. Now middle में क्या है, crushing है, ये middle है, four और four होते हैं ये. और मिल है लास्ट में, क्रसिंग के काम आते हैं, बैक एंड सिक्स करके लिखेंगे. इस तरह से पूरे कंप्लीट आप कर लेंगे. नाउ कम टू द डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. तो आर्टरीज ये दी हुई है और वेन्स ये है. तो आर्टरीज में आपको पता होना चाहिए कि प्योर ब्लड रहता है और वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है. तो फर्स्ट वन इज द इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम टू द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. और यहाँ क्या है, प्योर ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज. तो एक्सेप्ट पल्मरी आर्टरी में इंप्योर ब्लड रहता है. ये एक्सेप्शन केस है. दीज आर द वेन्स में देखते हैं, दीज आर द वेसल ब्लड विच कलेक्ट द फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड पोर इट इनटू द हार्ट. ब्लड फ्लोइंग इन द वेन्स इज इम्प्योर. ऑलवेज रिमेंबर इट इज इम्प्योर. तो एक्सेप्ट क्या है इसमें, पल्मरी वेन्स में प्योर ब्लड बहता है. ये इसका क्वेश्चन पेपर है. ये लेसन खत्म हो रहा है बच्चों. नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कैसा आपको लग रहा है और क्या आपको चाहिए, बस भी आपको बताएंगे. तो मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा और शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके. और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. देखते रहिए.